आप ये बताएं, आप किसी दबाव के तहत यहाँ पे या सच में बीजेपी के साथ जुड़े? नहीं, सच में बीजेपी, हम पहले से ही बीजेपी के, मोदी साहब के ही आशिक है पहले से। जब से मैं वोट डालना सीखा तब से मोदी जी का ही आशिक है हम। पर आपको पता चला आप आशिक मोदी साहब के हैं, लेकिन आपकी वजह से केजरीवाल ने कितना बड़ा बवाल मचा दिया यहाँ। तो अब हम जनता को क्या पता होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, हमको कुछ मालूम नहीं है। हम तो सिर्फ ऐसे ही खाने पे, मेरे को नहीं मालूम था कि इतना सारा खाने पे बुलाने पे इतना हो सकता है कुछ। मैंने तो ऐसे ही आम नागरिक की तरह खाने के लिए बोला था, और खाने आ गए तो फिर खिला के। जो आपने बोला था वो आपको किसी ने कहा था इस तरह से बोलना, या आपने खुद अपने मन से बोला? नहीं, वो जो यूनियन की तरफ से बोला था हमको कि खाने के लिए तू बोल देना, तो मैंने वो बोल दिया था बस। पर आपने तो इस तरह से बोला था कि भाई आपको पंजाब में मैंने देखा था, किसी के घर आप गए थे रिक्शा वाले के। वीडियो देख के ही मैंने बोला था ना, तो आपको बताया गया था। हाँ, ये पंजाब ऐसे खाने गए थे, तो ये वीडियो देख के वो पंजाब में जैसे खाने गए वैसे मैंने भी खाने बुलाया। लेकिन असली बात क्या है? असली बात तो यही है, जो यूनियन की तरफ से खाने के लिए बोला गया था ना, वो मैंने आमंत्रण दिया जो वीडियो पंजाब की देख के। फिर आपने देखा होगा उस दिन आप ही के रिक्शा में जब बैठ के वो आ रहे थे, पुलिस वालों के साथ इतना बवाल हुआ, उसको लेकर के इतना सोशल मीडिया पे पूरे देश में बहुत राजनीति हुई उसके ऊपर, है ना? तो आपने किसी को बाद में बताने की कोशिश की आम आदमी पार्टी में कि भाई आप लोगों ने गलत किया है? नहीं, वो बाद में कोई दिखा ही नहीं ना, सब चले गए थे, कोई है ही नहीं ना, किसको बोले आप। और जो पुलिस वाले के साथ बात की तो वो सही बात है, जो प्रोटोकॉल ऊपर से दिया गया था, तो ऐसे रिक्शे में अगर कुछ भी हो सकता है तो भाजपा के सरकारी को कुछ तो बात लग सकती है, कुछ भी हो, कुछ गलत हो जाए तो पूरे गुजरात में एक धब्बा लग जाता है सकता है। केजरीवाल आपके घर आए थे तो आपसे क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मेरे घर के बारे में पूछा और खाना खा के बस चले गए, और कुछ कहा नहीं। और मेरे को भी बोलते गए कि कभी दिल्ली आओ तो खाना खाने मेरे घर जरूर आना।